तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग M13 मोबाइल में ऐप लॉक कैसे किया जाता है। वो दोस्तों, कोई सी भी ऐप हो, किसी भी ऐप में आप लॉक लगा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ऐप लॉक कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो है एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बिना ऐप डाउनलोड किए इस मोबाइल में ऐप लॉक नहीं कर सकते हो। यानी इनबिल्ड फीचर इस मोबाइल में ऐप लॉक का नहीं है। काफ़ी अच्छी है ऐप है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा, नहीं तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप कैसे यूज किया जाएगा ये पहले आप देख लीजिए, क्योंकि सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऐप की। तो ये ऐप मैंने जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट ए मास्टर पिन बता रहा है, तो आप जो भी पासवर्ड यहाँ पर रखना चाहते हैं वो दोस्तों आप जो है यहाँ से डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर सही का ऑप्शन दिख रहा है, सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से री एंटर वही आपको करना है। री एंटर करने के बाद सही का ऑप्शन मिलेगा, सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप जो है इस ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो तो यस कर देंगे, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से नो कर दीजिए। नो करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिखेगा, प्लस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, जितनी भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हैं। तो दोस्तों जिस एप्लीकेशन में आपको लॉक लगाना है वो एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम में लॉक लगाऊंगा, ये रहा इंस्टाग्राम, उसके सामने टिक है, टिक को इनेबल किया और यहाँ से HDFC को लॉक कर लेता हूँ और यहाँ से गूगल को कर लेता हूँ और जीमेल को कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, प्लस का ऑप्शन जो दिख रहा है प्लस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यही ऐप मिल जाएगी दूसरे नंबर पे, इस टिक को आपको इनेबल करना है और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद दोबारा से दोस्तों ये वाली ऐप मिल जाएगी, इस टिक को आपको इनेबल करना है और ओके कर देना है और यहाँ से अलाउ आप कर दीजिए। बस दोस्तों इस ऐपों में जो है लॉक लग चुका है। चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। बैक किया, बैक करने के बाद इंस्टाग्राम में लॉक लगाया था, इंस्टाग्राम ये रहा, इंस्टाग्राम को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर देखिए लॉग मांग रहा है, जैसे ही दोस्तों मैं लॉग डाल दूंगा तुरंत दोस्तों इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस मोबाइल में ऐप लॉक कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ऐप का डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। तो प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है ऐप, ऐप लॉक फिंगरप्रिंट आप लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये वाली ऐप पहले नंबर पे आ जाएगी, तो इस ऐप को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी अच्छी ऐप है और इस ऐप में ऐड भी नहीं आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।